रामलीला ग्राउंड स्टेज पर। और यहाँ पहुँचने का मुख्य कारण क्या है कि रेगुलर यहाँ पर हमारे गणपति बापा की प्रतिमा की डेली पूजा हो रही है और गणेश महोत्सव का जो ये त्यौहार है ये बड़े ही खूबसूरती के खूबसूरत तरीके से मनाया जा रहा है। यहाँ पर आपने देखा कि कितने सारे बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम किए, छोटे छोटे बच्चों ने झांकियाँ की, राधा कृष्ण एवं शंकर जी का डांस भी किया गया और बहुत ही ज़्यादा मनमोहक झांकियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं दयानंद जी जो एडवोकेट हैं और ये व्यवस्था जो है सारी की सारी बहुत बढ़िया तरीके से बखूबी बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं और इनकी देखरेख में यहाँ पर ये सारे के सारे प्रोग्राम किए जाते हैं। तो हम इनसे जानकारी लेते हैं कि ये प्रोग्राम कितने दिन और चलेगा और गणेश जी की जो प्रतिमा को विसर्जित करना है शायद परसों करना है, तो इसके बारे में इनसे जानकारी लेते हैं कि इतने बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम किए जा रहे हैं, इसके अलावा और क्या प्रोग्राम परसों तक किए जाएंगे और ये जो गणेश महोत्सव का यहाँ मनाया जाता त्यौहार ये कितने दिनों से मनाया जा रहा है, कितना पुराना हो गया। और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ की कमेटी बहुत बढ़िया तरीके से बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस काम को कर रहे हैं। तो दयानंद जी आपका स्वागत है पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल के अंदर और थोड़ी जानकारी आपसे चाहिए कि गणेश महोत्सव जो मनाया जा रहा है सितारगंज के अंदर ये कितने दिनों से मनाया जा रहा है। ये गणपति जी का कार्यक्रम लगभग 10 वर्षों से मनाया जा रहा है और लगातार ही डेली पूजा वूजा होती है और इस बार जो कार्यक्रम हुआ है वो 31 तारीख से 8 तारीख तक का प्रोग्राम है। इसमें सुबह शाम संध्या भजन कीर्तन होते हैं और उसके बाद जो है शाम को प्रोग्राम होता है, बच्चों का कार्यक्रम होता है और उसमें बच्चे जो है अपने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं और झांकियाँ निकलती हैं। उसके बाद जो है मनमोहक दृश्य यहाँ का बनता है बहुत बढ़िया और हमेशा की भांति इस वर्ष भी जो है गणपति महोत्सव कार्यक्रम बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। और हमारे बीच में उपस्थित यहाँ पर शंकर पंडित जी भी हैं जिनसे हम जानकारी लेते हैं कि पूजा पाठ जो करते हैं सुबह और शाम बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ पूजा पाठ का कार्यक्रम यहाँ किया जाता है और आरती के समय सभी क्षेत्रवासी यहाँ उपस्थित रहते हैं, तो इनसे भी जानकारी लेते हैं कि इनको गणपति बापा की पूजा पाठ करने में कैसा आनंद मिल रहा है और कैसा महसूस होता है कि भगवान की पूजा में लगे। सभी को बहुत अच्छा लगता है और इसकी तो सभी को प्रतीक्षा बहुत रहती है कि कब गणपति उत्सव शुरू हो और कब समापन हो। जब हमारे उत्सव मनाए जाते हैं तो इसमें जो रंगारंग झांकियाँ हैं, पूजा पाठ है और विशेष करके हमारे पीछे देखिए हमारे बड़े भाई पवन दीक्षित जी बैठे हुए हैं, जब कैमरा उधर घुमा देंगे तो कृपा होगी घुमा एक बार, थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य खराब होने की वजह से हमारे रंग में भंग पड़ गया है। बाकी तो हमारे यहाँ बहुत बढ़िया प्रोग्राम होता है भजन संध्या का, पूजन पाठ का और जितने भी दर्शक या भक्तजन जो भी आते हैं सभी की मनोकामनाएं भी पूरी होती है। विशेष करके हमारे यहाँ पूजा के लिए तो सुबह शाम एक एडवांस में बुकिंग चलती है कि हमारी भी पूजा की जाए, हमारी भी पूजा की जाए और गणपति बापा की कृपा से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। वेरी गुड, पंडित जी का कहना है कि यहाँ पर जैसे शाम को और सुबह जो पूजा पाठ किया जाता है इसमें भी कुछ शहर के ही भक्त लोग जो होते हैं वो उपस्थित रहते हैं और उनका भी नंबर आता है पूजा पाठ करने के लिए। हमारे बीच में उपस्थित हैं यहाँ भाजपा नेता जी और इनसे भी थोड़ा जानकारी लेते हैं कि इनको यहाँ कैसा लगता है गणपति बापा की पूजा करने में। देखिए पिछले 13 वर्षों से बड़े हर्षोल्लास से यहाँ गणेश उत्सव का जो त्यौहार है सभी भक्तजन सभी नगरवासी बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं, खुशी से मनाते हैं और यहाँ शाम को आप देखेंगे जब यहाँ प्रोग्राम चलता है, झांकियाँ चलती हैं तो बड़ी भीड़ एकत्रित होती है यहाँ पे दर्शनार्थियों की और मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे नगरवासी कितने प्रेम पूर्वक इतनी भक्ति से इस प्रोग्राम में सम्मिलित होते हैं और अपना दर्शनार्थी बनते हैं और प्रभु गणेश उनकी मनोकामना भी हर वर्ष पूरी करते हैं। और आज ये 7वां दिन है इस प्रोग्राम को चलते हुए, परसों गणेश विसर्जन है तो और इसी चैनल के माध्यम से मैं सभी भक्तजनों से ये निवेदन करता हूँ कि गणेश विसर्जन में आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सम्मिलित होकर गणेश विसर्जन का लाभ कमाएं। क्या नाम है रूपल अग्रवाल।
रूपल अग्रवाल जी का कहना है कि 8 तारीख को गणेश जी का विसर्जन है, जो कि यहाँ लगभग 5 किलोमीटर दूर पड़ता है चीका घाट, और वहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। बड़े ही धूमधाम और गाजेबाजी के साथ विसर्जन किया जाता है। मनमोहक झांकियाँ भी इसके साथ रहती हैं, जो विसर्जन करते समय झांकियाँ होती हैं, बहुत ही मनमोहक झांकियाँ रहती हैं, और क्षेत्र के समस्त क्षेत्रवासी उसमें उपस्थित रहते हैं। मटकी फोड़ने वाले प्रोग्राम भी यहाँ पर किए जाते हैं, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से गणेश महोत्सव सितारगंज के अंदर मनाया जाता है। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल से अश्वनी दीक्षित की खास रिपोर्ट।